सब्सक्राइब कीजिए सेहत रात यूट्यूब चैनल को और बगल में घंटी बटन को दबाइए हमारे लेटेस्ट हेल्थ वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम इरफान, आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल सेहत रात में। फ्रेंड्स, अगर आप 2 महीने यानी कि 63 दिनों का गर्भ तुरंत गिराना चाहते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसी दवा का नाम बताने वाला हूं जिसकी मदद से 63 दिनों तक का गर्भ तुरंत आप गिरा सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको ये भी बताऊंगा कि इस दवा का इस्तेमाल आपको कैसे करना है और इस दवा का इस्तेमाल करने के बाद आपको ब्लीडिंग कितने दिनों तक होगी, और आप इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप कैसे पता कर सकते हैं कि आपका अबॉर्शन पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आप ये सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको ये सारी चीज़ों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ वीडियो के नीचे एक लाल कलर का बटन नज़र आ रहा होगा, उसे सिंपली क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी के बटन को ज़रूर क्लिक कर दे ताकि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मैसेज सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए करे। फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियो हर रोज़ लाता रहता हूँ जो कि आपके लिए बेहद खास होता है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गो फॉर इट। फ्रेंड्स, 2 महीने का गर्भ गिराने के लिए यानी कि 63 दिनों की प्रेगनेंसी गिराने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं प्रेग्नेंट नहीं होती हैं और वो दवाइयां खा लेती हैं और उनके लिए ये बहुत ही प्रॉब्लम हो जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेना है, अगर प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तभी आपको कोई दवाई लेनी है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाने के बाद मेडिकल स्टोर से आपको मिफीजेस्ट नाम का किट ले लेना है, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर में मिल जाएगा। कई बार मेडिकल स्टोर वाले ये आपको नहीं देते हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होता है, तो आप इसे मेडिकल स्टोर से ख़रीद सकती हैं। अगर आपको मेडिकल स्टोर वाले नहीं देते हैं तो आप इसे ऑनलाइन स्टोर भी, बहुत सारे ऑनलाइन मेडिकल स्टोर हैं जो आपको इसे डिलीवर कर देते हैं घर पर। तो फ्रेंड्स, इसे ले लेने के बाद इसमें 5 गोलियां होंगी, जिसमें एक बड़ी गोलियां होंगी जिसका नाम है मिफेपेस्टोन और 4 छोटी छोटी गोलियां होंगी जिसका नाम है मिसोप्रोस्टॉल। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बड़ी गोलियां खानी है, ठीक है, बड़ी गोली जो एक होगी आपको वो खाना है। सुबह नाश्ते के 2 घंटे बाद आपको बड़ी गोली पानी से खा लेना है। फ्रेंड्स, उसके 24 घंटे बाद आपको 2 छोटी गोलियां खानी है मिसोप्रोस्टॉल की, ठीक है, और फिर उसके 24 घंटे बाद फिर 2 गोलियां आपको पानी से खाना है, उसी छोटी गोलियों को। तो फ्रेंड्स, कई बार कई महिलाओं को पहली बड़ी गोली खाने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन कई महिलाओं को छोटी गोलियां खाने के बाद ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। फ्रेंड्स, ये ब्लीडिंग आपको 1 से 15 दिनों तक यानी कि 1 से 2 हफ्ते तक रह सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कई महिलाओं को ये ब्लीडिंग सिर्फ 1 दिन रहती है, लेकिन कई कई महिलाओं को 2 हफ्ते तक की ब्लीडिंग भी हो सकती है। अगर 2 हफ्ते तक ब्लीडिंग होती है तो ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन 2 हफ्ते से अगर ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है तो फ्रेंड्स इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। फ्रेंड्स, ये दवा लेने के बाद कुछ ही घंटों में ब्लीडिंग आपकी शुरू हो जाती है, यानी कि 2 से 3 घंटे में ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इस ब्लीडिंग के साथ आपको बहुत ही ज़्यादा दर्द भी होगा। तो फ्रेंड्स, इस दर्द को कम करने के लिए आप बाज़ार से ब्रूफेन नाम का टैबलेट भी ले सकते हैं। ये ब्रूफेन आपके दर्द को काफ़ी हद तक कम कर देता है और आपको पेन नहीं होता है। फ्रेंड्स, ब्रूफेन भी आपको उसी साथ उस किट के साथ, मिफीजेस्ट किट के साथ ले लेना चाहिए ताकि आप अपने दर्द को कम कर सकें। फ्रेंड्स, ये ब्लीडिंग आपके पीरियड से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होगी और इस ब्लीडिंग के साथ कुछ क्लॉट और टिश्यू भी रह सकती है। फ्रेंड्स, अभी आप अगर आप चाहते हैं कि आप ये पता कर ले कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ या नहीं, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत पड़ सकती है। यानी कि अगर आपका अबॉर्शन यानी कि आपका ब्लीडिंग 15 दिनों यानी कि 2 हफ्ते तक रह चुका है, उसके 10 दिन के अंदर आपको डॉक्टर के पास ज़रूर जाना चाहिए ताकि आप कंफर्म कर सके कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, इसके अलावा डॉक्टर के पास आपको ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि कई बार अबॉर्शन के बाद आपके यूट्रस में, आपके गर्भाशय में बच्चे का कुछ टिश्यू, कुछ टुकड़ा रह जाता है जो कि इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है और भी बहुत सारी परेशानियाँ होने लगती है। तो फ्रेंड्स, आप अगर आपकी ब्लीडिंग 2 हफ्ते तक रह चुकी है और ब्लीडिंग बंद हो गई है तो उसके 1 हफ्ते बाद अपने डॉक्टर के पास ज़रूर चल जाएं ताकि आप अल्ट्रासाउंड से ये पता कर सकें कि आपका अबॉर्शन कंप्लीट हुआ है या नहीं। फ्रेंड्स, ये दवा लेने के बाद यानी कि अबॉर्शन करने के बाद आपके पीरियड्स कुछ महीनों तक इररेगुलर हो सकती है, यानी कि जो टाइम पर आपके पीरियड्स आया करती थी
तो कुछ महीनों तक टाइम पर नहीं आएगी, या तो कुछ दिन पहले या कुछ दिन बाद आना शुरू हो जाएगी, लेकिन कुछ महीने बाद फिर से ये सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये दवाई को आपको हर बार और एक हैबिट नहीं बनाना है, क्योंकि ये दवा आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकता है अगर आप इसे बहुत बार यूज़ करते हैं तो। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बेहद यूज़फुल रहा होगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, और ताकि मुझे ये पता चले मेरी बनाई वीडियो आपको बहुत ही पसंद आ रही है, और इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। और ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके मुझे आप ज़रूर बताएं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हर रोज़ मिलती रहे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।